दूसरी लहर के बाद देश में तीसरी लहर आने की भी आशंका है। तीसरी लहर से निपटने के लिए कई राज्यों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। वैक्सीनेशन में भारत ने कैसे विश्व रिकॉर्ड बनाया और कोरोना का टीका लेने के बाद कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं, देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जुड़ा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया है कि कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। सरकार को खास तौर पर बच्चों के लिए राज्य के सभी जिलों की पीडियाट्रिक वार्ड बनाने के लिए कहा गया है। मंत्री के मुताबिक वेंटिलेटर से लेकर बच्चों को लगने वाले तमाम दवाइयों की खरीद के लिए भी कहा गया है। कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है, लिहाजा इसके लिए मुंबई में तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में 10 मंजिला एसआरए बिल्डिंग की 2 मंजिलों पर सिर्फ बच्चों के कोरोना के इलाज के लिए 80 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है। हर कमरे में 2 बेड होंगे जिसमें ऑक्सीजन की सुविधा समेत बच्चों के इलाज में काम आने वाले सभी जरूरी मेडिकल उपकरण लगाए गए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 34,031 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 594 लोगों की महामारी से मौत हो गई है। मुंबई में हालात कंट्रोल में हैं, जहां एक दिन में 1,350 नए केस आए हैं और 57 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में रोजाना 2.5 लाख लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं। अब तक 2,02,00,000 वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। वैक्सीन को लेकर नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि बच्चे को दूध पिला रही महिलाएं भी वैक्सीन लगवा सकती हैं। ये भी कहा गया है कि प्लाज्मा थेरेपी लेने वालों को अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 3 महीने बाद ही वैक्सीन लगेगा। यह भी साफ कर दिया गया है कि वैक्सीन लगवाने से पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट जरूरी नहीं होगा। देश में वैक्सीनेशन अभियान के बीच टीका लगाने के बाद कोरोना संक्रमण के मामले आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक कोवैक्सीन लगाने के बाद कुल 23,940 संक्रमण के मामले सामने आए। ये आंकड़े कोवैक्सीन की कुल वैक्सीनेशन का 0.13% है। वहीं कोविशील्ड लगाने के बाद 1,19,172 लोग कोरोना संक्रमित हुए। ये कुल कोविशील्ड वैक्सीनेशन का 0.07% है। कोरोना को हराने के लिए भारत लगातार टेस्ट बढ़ाने में लगा है। कोरोना टेस्ट करने में भारत ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 24 घंटे में 20 लाख से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया गया है, जो देश में अब तक एक दिन में किए गए टेस्ट में सबसे अधिक है। रोजाना पॉजिटिविटी दर भी घटकर 13.31% हो गई है। यूपी में 24 घंटे में अब तक के रिकॉर्ड 2,99,327 लोगों की जाँच हुई, जबकि महाराष्ट्र में 2,90,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। उत्तराखंड के गांव-गांव में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र में एक हफ्ते में 14 लोगों की कोरोना से मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन की नींद टूटी है। स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम गांव में लोगों की जांच सैंपल लेने पहुंची। लोगों का आरोप है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में मरीज दम तोड़ रहे हैं। 36 लोग होम आइसोलेशन में हैं। कल राज्य में 4,500 नए केस मिले। पैसे लेकर नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट देने वाले मुंबई के पास थाने महानगर पालिका के 2 कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं। ये लोग 1,250 रुपए में नेगेटिव रिपोर्ट देने का गोरख धंधा चला रहे थे। दोनों अभियुक्त अस्पताल के कॉन्ट्रैक्ट पर वार्ड बॉय का काम करते थे। इस जालसाजी की खबर जब थाने क्राइम ब्रांच को मिली तो उन्होंने जाल बिछाकर इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बिहार के नालंदा में एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर ऑनलाइन ठगी करता था। ये गैंग दिल्ली, एनसीआर, मुंबई सहित कई राज्यों में 200 के करीब साइबर क्राइम को अंजाम दे चुका है। छोटू चौधरी गैंग के 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि इनका सरगना अभी फरार है।